थाना जगदीशपुरा क्षेत्र अंतर्गत आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 7 में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला का शव उसके घर में मिलने की सूचना मिली। शव की सूचना मिलते ही थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 में उस समय हाहाकार मच गया जब पति ने ही अपनी पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी पति मौके से फरार हो गया। महिला की मौत की खबर सुनते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया गया। मृतक महिला की मां ने बताया कि उनकी बेटी ने सन 2009 में धीरज और धीरू नाम के व्यक्ति से लव मैरिज की थी। उसके बाद उन्होंने आर्य समाज मंदिर में रस्मों रिवाज के साथ शादी कर ली थी। तभी से बिटिया का अपने मायके में आना जाना नहीं था, लेकिन जब पड़ोसियों द्वारा बेटी की मौत की खबर दी गई तो वह मौके पर पहुंची। साथ ही मां की मौत से पूरा परिवार ही उजड़ गया। मृतक महिला अपने पीछे 3 नन्ही परियों को छोड़ गई जिनका रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल थाना पुलिस ने बताया कि मृतक महिला का पति गोवर्धन का निवासी है, जिसके खिलाफ थाना गोवर्धन और थाना सिकंदरा में कई मुकदमे लंबित हैं। कई वर्षों से यह आवास विकास कॉलोनी में ही मकान बदल बदल कर रह रहा था, लेकिन अब बड़ा सवाल यह उठता है कि ताजनगरी की पुलिस आखिर कब तक हत्यारोपी धीरू को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।